कुंभार है और स्वाति नक्षत्र का वेद है, इस दृष्टि से इस प्रयोग का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। अप्सरा प्रयोग जीवन का सबसे कठिन प्रयोग होता है। कठिन इस दृष्टि से कि इस प्रकार के प्रयोग में भ्रांतियां बहुत हैं, इस प्रकार के प्रयोग में मंत्र बहुत हैं, इस प्रकार के प्रयोग में विधियां बहुत हैं, और एक एक प्रयोग की 20-20 विधियां ऋषियों ने प्रचलित कर रखी हैं। आवश्यकता इस बात की है कि या तो कोई विधि अपने शिष्य को दे दे कि इस विधि से मंत्र जाप करो, क्योंकि ऋषि ने ऐसी बात कही है, गर्ग ने ये कहा है, कणाद ने ये कहा है, पुलस्त ने ये कहा है, वशिष्ठ ने ये कहा है, विश्वामित्र ने कहा है, क्योंकि इस अप्सरा सिद्धि प्रयोग को लगभग सभी ऋषि ने, जितने ऋषि थे ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है, मंत्र दिया है, और सबके मत अलग अलग है, और सभी मतों से या सभी मंत्रों से साधनाओं में सिद्धि प्राप्त की है। देखना इस बात का है कि वह तो आज से 20,000 साल या 15,000 साल पहले की घटनाएं हैं। आज के युग में क्या वे विधियां उपयोगी हैं, वे मंत्र प्राण युक्त हैं, और मेरे दादाजी लालटेन से पढ़ा करते थे, तो क्या जरूरी है कि मैं भी आज लालटेन से पढ़ूं? पूर्वज जय करते थे वैसे ही मैं भी करूं, क्या ये प्रगति का लक्षण है, या मैं बल्ब की या विद्युत का प्रचलन हो गया है तो मैं ट्यूबलाइट लगा करके पढ़ूं? ये कोई जरूरत नहीं है, दादाजी ने लालटेन से पढ़ा तो मैं भी लालटेन से ही पढ़ूं, क्योंकि दादाजी पढ़े थे। उन ऋषियों ने उस युग में जो कुछ साधना की थी उस युग की मांग थी, उस युग में वो मंत्र सही थे। क्या वे मंत्र आज भी उतने ही प्रभाव युक्त हैं? क्या हम इतने ऋषि हैं? क्या हम इतने सच्चरित्र हैं? क्या हम इतनी लंबी उम्र है हमारी? क्या हम इतनी बड़ी साधना कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते, इसे नहीं कर सकते। उनके सामने इतने काम, इतने प्रॉब्लम्स, इतने तनाव, इतनी उल जलूल जिंदगी नहीं थी जितनी हमारी है। हम साधनाएं करते हैं तो हम 2,000 या 2 साल या 20 साल या 5 साल या 1 साल साधना नहीं कर सकते। और वे मंत्र आज के युग में कितने प्रभावशाली रहे हैं या नहीं रहे हैं, क्या उसके बाद में खोज हुई है या नहीं हुई है, वह सामान्य गुरु इस बात को स्पष्ट नहीं कर सकता। वो तो ये पोथी खोल के आपके सामने बैठ जाएगा कि इस पोथी में अमुक ऋषि ने ये मंत्र दिया है, ये साधना को दिए, मैं आपको दे रहा हूं, मैं उस साधना विधि से इस प्रकार के प्रयोग सिद्ध नहीं हो पाते। इसलिए सिद्ध नहीं हो पाते कि वह युग अलग था, उसमें प्रयोग अलग था, उसमें एटमॉस्फेयर अलग था, वातावरण अलग था। आज का वातावरण अलग है, और इस वातावरण में वे मंत्र काम नहीं आते थे। तीर राम जी के समय में तो चले, आज मेरे पास पिस्तौल है, आप तीर लेकर के खड़े हो जाएं तो आप 2 मिनट में समाप्त हो जाएंगे, आपके तीर आपके पास ही रहेंगे, पिस्तौल की लड़ाई पिस्तौल से हो पाएगी। त्रेता युग में जो साधनाएं हुई वो द्वापर में नहीं हो सकती थी, द्वापर में हुई वो शंकराचार्य के टाइम में सिद्ध नहीं हो सकती थी। शंकराचार्य ने जो किया वो गोरखनाथ सिद्ध नहीं कर पाए थे, और जो गोरखनाथ कर पाए वो आज के युग में सिद्ध नहीं हो सकती। युग बदला तो मंत्र बदले, साधना विधि बदली, नहीं बदले तो केवल गुरु नहीं बदले, बाकी सब कुछ बदला। युग बदला, समय बदला, एटमोस्फेयर बदला, वातावरण बदला, मैं भगवान कपड़े नहीं बदले, छल प्रपंच नहीं बदला, झूठ असत्य नहीं बदला, और उसमें नवीन खोज नहीं की। और जब तक गुरु अपने शिष्यों से मैं 20 शिष्य लेकर के 20 शिष्य को 20 मंत्र दूं, 20 विधियां दूं, और फिर
टेस्ट करूं कि इनमें से कौन सबसे पहले सफल होता है, और जो सफल हो पाता है पहले तो समझ लेता हूं कि यह विधि ज्यादा उपयुक्त है। वो तब हो पाता है जब उसके पास संन्यासी शिष्य हो, समर्पित शिष्य हो, पूर्ण एकाग्रता के साथ काम करने के लिए तत्पर शिष्य हो। आपको मैं काम सौंपूं तो आप नहीं कर सकोगे, क्योंकि यहां से जाने के बाद आपके पास 20 और काम होंगे, उतनी तीव्रता के साथ उस प्रयोग को आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस पत्रिका में इस प्रयोग को देने से पहले मैं इस बात पर पूर्ण तौर निश्चित था कि कौन सी विधि मैं अपने शिष्यों को दूं जिससे कि वे नवीनतम टेक्नोलॉजी से या नवीनतम साधना विधि से उस प्रयोग को, उस मंत्र को सिद्ध करें, किस तरीके से करें, और किस मंत्र से मैं उस यंत्र को चैतन्य करूं, और उनको मैं कौन सा मंत्र दूं जिससे कि वे सफलता पाए। और ये टेस्ट बराबर होते रहे हैं, आज तक भी होते रहे हैं। वह चाहे संन्यासी व्यक्तिगत रूप से आके मिलते हैं, आपने मुझे साथ में 4 महीने बाद दी थी, सफलता नहीं मिल पाई। दूसरे से ने कहा कि मुझे सफलता मिली, आपने जो विधि दी थी। तीसरे ने कहा सफलता मिली। चौथे ने कहा सफलता मुझे 6 महीने मिली। तीसरे ने कहा कि मुझे 1.5 महीने मिली। किसने कहा 1 महीने मिली। सबको अलग अलग विधियां दी थी एक साधना की, चाहे ये साधना है, चाहे दुर्गा साधना है, चाहे शिव साधना है, चाहे कोई भी साधना है, उसमें नवीन खोज या नवीन तथ्य बराबर ज्ञात होने ही चाहिए, तभी गुरु टिक सकता है, तभी गुरु अपने शिष्यों में लोकप्रिय हो सकता है, तभी धारणा के साथ उस मंत्र को दे सकता है। वो मंत्र चाहे उस पुस्तक में है या नहीं है, या ऋषि ने कहा है या नहीं कहा है। आज से 150 साल पहले अगर साइंस ने लाइट नहीं लगाई थी तो हम ये नहीं कह सकते कि विद्युत होती नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं होती, ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बाद खोज हुई। खोज होने के बाद एडिशन ने लाइट का आविष्कार किया, फैराडे ने लाइट का आविष्कार किया, तो हम लाइट के माध्यम से यूज कर सकते हैं। तो फैराडे के पहले तो लाइट थी नहीं, उससे पहले तो लालटेन थी, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यहां हो। ठीक उसी प्रकार से कणार्थ से पहले दूसरे प्रकार की विधियां थी, और वे विधियां फेल होती गई, नहीं सफल हो पाई। उन्होंने नई टेक्निक निकाली जिसका आगे उपयोग किया गया। ये बात कहने का तात्पर्य यह है कि आप इस साधना में निश्चित रूप से पारंगत हो सकते हैं, सफलता प्राप्त कर ही सकते हैं, निश्चय ही कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रयोग आजमाया हुआ प्रयोग है मेरे खुद के द्वारा, कि उन शिष्यों के द्वारा या पोथी में सुनी सुनाई बात पर मैं आपको प्रयोग नहीं दे रहा हूं। जो सिद्ध किया है, जिसमें से मैंने सफलता पाई है, जो मैंने शिष्यों से अनुभव किया है, वह प्रयोग मैं आपको दे रहा हूं। और प्रश्न उठता है कि ये प्रयोग आप लोग क्यों कर रहे हैं, या मैं आपको क्यों करवा रहा हूं। आप में से कई शिष्य तो ऐसे हैं जो प्रत्येक प्रयोग में भाग लेते हैं, उनके नाम में डायरी में नोट करता रहता हूं कि इन लोगों में लगन है, इनको एक ज्यादा प्यास है, इनको अलग से खींच करके इनको थोड़ा ऊंचाई पे एकदम से छलांग देनी है मुझे, क्योंकि हर एक में भाग लेते ही नहीं है, इनमें इंटरेस्ट है, ये कुछ कर सकेंगे। ये केवल मौसमी पौधे हैं, आते हैं चले जाते हैं, एक बार करते हैं दूसरी बार में असफल होते ही चले जाते हैं। ये सारा एक बैकग्राउंड मेरे सामने बिल्कुल क्लियर रहता है। इसमें मैं ना आपकी आलोचना कर रहा हूं, ना मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। मैं तो भांपता रहता हूं कि ये केवल 2 महीने तक फूल खिलेंगे, ये सदाबहार फूल हैं, ये 12 महीने फूल खिलने वाले हैं, और इनको गुलाब के फूल बना देने जरूरी है। ये प्रयोग इसलिए करते हैं कि हम जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहें वो हम स्वयं प्राप्त कर लें, उसके लिए किसी योगी, यति, सन्यासी, साधु या गुरु की आवश्यकता ही नहीं रहे। हम स्वयं उस चीज को प्राप्त कर लें, चाहे धन, चाहे मान, चाहे यश, चाहे पद, चाहे प्रतिष्ठा, चाहे यौवन, चाहे सौंदर्य, चाहे पूर्णता, चाहे सफलता, चाहे प्रेमी, चाहे प्रेमिका, चाहे पत्नी, चाहे पति, चाहे शीघ्र विवाह, चाहे मन की कोई इच्छा, चाहे जीवन की कोई पूर्णता, जो कुछ हम चाहें वह प्राप्त हो जाए, और पूर्णता के साथ प्राप्त हो जाए, अधूरापन फिर उसमें नहीं रहे, अद्भुत निखार के साथ हो जाए, एहसास हो जाए कि कुछ हुआ है, कुछ लाइट लगी है, कुछ पूरे शरीर में परिवर्तन हुआ है। ये प्रयोग इसलिए किया जा रहा है,
और यदि जीवन में यही नहीं हुआ तो फिर जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, यदि जीवन में प्रेम ही नहीं है तो फिर जीवन का कोई सार ही नहीं है, यदि जीवन में सौंदर्य ही नहीं है तो फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं है, यदि जीवन में पूर्ण सफलता भी नहीं है तो फिर जीवन जीने से कोई मतलब भी नहीं है। जीवन में तो सब रंग होने चाहिए, इस दीवार में भी कहीं पीला रंग है, कहीं लकड़ी का रंग अलग है, फिर लाइट का रंग अलग है, ऊपर छत का रंग अलग है तो ये थोड़ा सुंदर दिखाई देगा। एक ही जैसा पोत दे, जैसे लाल ही लाल पोत दे पूरे कमरे को, तो ना आपको देखने का जी करेगा ना मेरा देखने का जी करेगा। आपके जीवन में सब रंग होने चाहिए, मुस्कुराहट, हंसी, सफलता, धन, सौंदर्य, ऐश्वर्य, जो कहने वाली बात और जो नहीं कहने वाली बात, वो सब कुछ प्राप्त होना ही चाहिए जीवन में। और जीवन के लिए कोई उम्र बाधक नहीं होती। हमने अपने आप को कटघरों में बांध रखा है कि 60 साल के बाद हम कुछ कर नहीं सकते, और मेरी व्यक्तिगत राय तो यह है कि 60 साल से पहले हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ कर सकते हैं 60 साल के बाद ही कर सकते हैं, चाहे प्रेम करना हो, चाहे धन कमाना हो, चाहे यश कमाना हो, वो 60 साल के बाद ही किया जा सकता है। उससे पहले तो केवल छोटे मोटे काम ही कर सकते हैं, दुकानदारी शुरू की, शादी की, फिर बच्चा एक पैदा किया, फिर गालियां सुनी, फिर सास बहू के लड़ाई झगड़े हुए, फिर उनको सुना, फिर उसको मनाया, उसको समझाया, फिर बाप की सुनी, फिर बेटी की सुनी, उसमें पूरी जिंदगी 60 बीत गई। अभी तक तो हम जूझते ही रहे, इसको पकड़े तो वो छूटे, उसको पकड़े तो इसको छूटे, माँ को कहें तो बाप लड़े करेगा कि रांड ऐसी है, उस बाप को चुप रखें तो माँ बोलने लग जाए, उन दोनों को शांत रखें तो पत्नी बोले कि लो तुम मेरे घर में ले आए, तो सारा 60 साल तो इसमें बीत जाता है। 25 साल पढ़ाई में बीत जाते हैं, पिछले 25 साल बच्चे पैदा करने में बीत जाते हैं, 50 साल 10 साल करके समस्या में बीत जाते हैं। जो कुछ करना है वो 60 साल के बाद ही होता है, पहले कुछ नहीं होता है। इसलिए ये आपके मानस में हो कि अब 60 साल के बाद अब क्या कर पाएंगे, मैं कहता हूँ 60 साल के बाद ही हो पाएगा। जीवन का आनंद तो 60 साल के बाद में है, पहले तो कुछ है ही नहीं, पहले तो आपाधापी है, संघर्ष है, लड़ाई है, झगड़ा है, तनाव है, मानसिक तनाव है, आत्मिक तनाव है और पारिवारिक तनाव है। 60, 50, 45, 60 means not 6 or 0, 60 means ये सारे होने के बाद में जीवन में कुछ अपनापन ले सकते हैं, और आपके माइंड में भर दिया गया है कि 60 के बाद आप यूजलेस है, घर वालों ने भर दिया, अब तुम क्या करोगे, समाज ने पूरा ये भर दिया है कि 60 के बाद तो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए आप बिल्कुल निश्चित हो जाने 60 के बाद क्या करना है, अब तो कुछ, अब हम कुछ करने लायक है ही नहीं, अब बेटे करते हैं, बेटे लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो बड़े बड़े टाकते रहते हैं। ये इसलिए साधना है कि 60 के बाद या उम्र के बाद जो जो उम्र बढ़ती है त्यों त्यों साधना और कार्य में ज्यादा तत्पर, ज्यादा योग्य और बेटों से भी ज्यादा होशियार, मजबूत, क्षमतावान, धैर्यवान और सौंदर्यशाली पुरुषार्थी बन सकते हैं। इस प्रकार की साधना है, एक बल है, एक साहस है, एक ताकत है, एक तेजस्विता है, एक ऐश्वर्य है, एक भोगविलास है, एक पूर्णता, एक सफलता है, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र का हो, चाहे भौतिक क्षेत्र का हो, चाहे जीवन का हो, चाहे लोगों का हो, चाहे जीवन में दया दान, जो कुछ भी विच यू लाइक, जो भी जीवन जिस प्रकार से जीना चाहें वैसा जीवन जीने के लिए इस प्रकार की साधना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए यह साधना यौवन काल में भी हो सकती है, अधिकतर ऋषियों ने तो उम्र के ढलान पर प्रारंभ की, जब सोचा अब तो कुछ रहा नहीं, तब इनसे वापस स्थिरता प्राप्त की और सब कुछ प्राप्त किया, यौवन, सौंदर्य, पौरुष, पराक्रम, साहस, ताकत, तेजस्विता और जीवन का वह सब कुछ जो हमारे जीवन की इच्छा है, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, भोग, विलास, सब कुछ। इसीलिए इस प्रकार की साधना जीवन का एक आवश्यक और अनिवार्य तत्व है, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, इस प्रकार की साधना को तो, इस प्रकार के मंत्र को तो करना ही चाहिए, इसीलिए इस साधना को रखा गया है। और मैं बिल्कुल उस गोपनीय प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं जो इसके बाद में, इसके बारे में कोई नवीन शोध नहीं हुई है, लेटेस्ट जो शोध हुई है, जो खोज हुई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा आदमी, एक सांसारिक आदमी, एक गृहस्थ आदमी, तनावों से घिरा हुआ आदमी, इसके माध्यम से किस प्रकार से जल्दी से जल्दी सफलता पा सके, उस प्रयोग को आपको संपन्न करवा रहा हूं। सबसे पहले आप हाथ जोड़ दें, गणपति को स्मरण करें,
सुमुखश्चैकदन्तश्चै कपिलो उपजकर्णक लम्बोदरस्य विक्तो विनाशो विनायक दुम्नकेतुगुणाध्यक्षो भालचन्द्रो विजानन द्वादशैतानि नामानि अप्रेक्षमानपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे न विविधता सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वर्धनं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नमद्नं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्ते साञ्जयस्ते साङ्गतस्ते साङ्पराजय येषामिन्दी वरिष्यामो अदयस्थोऽपि जनार्दन अभ्यसितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरैः सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यान्म उमामेश्वराभ्यान्म शचिपुरन्दराभ्यान्म मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः वाणीनिगर्भाभ्यो नमः स्थितिपुरन्दराभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः तत्रादौ स्वहस्तेन तिलकं कृत्वा कुंकुम से अपना तिलक करिए लाड पर नमोशनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरूपाभावे सहस्रधाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिविधारणे नमः तत्रादौ संकल्पं कुर्यात् दाहिने हाथ में जल लीजिए और संकल्प कीजिए विष्णु 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 भारतवर्ष वर्त खंडे जन्मदीपे शालिमांसा के बौद्धावतार से समन्वय को सम्मत 2052 चैत्र मास विष्णु क्रिया तो प्राप्त दक्षिणा से रिकास हरणम शकल मन इस कामना सिद्धर्थम लोके वासे बहराज द्वार सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम सभार से सपुत्र से सबान से अखिल कुटुंब सहित से सबसो समस्त भय व्याधिरा पीड़ा मृत्यु पराधराम आयु आरोग्य धाम अमु गोत्रोत्पन्न हम अपना गोत्र बोलिए अमु शर्मा हम नाम बोली ताम पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम सुंदरासि प्राप्त निमित्तम गुरुमुखेन ताम पूर्णत्व्यम समर्पयेत जमीन पर जल छोड़ दीजिए यज्ञोपवीतम धारयामी नमः यज्ञ सामने है इसको धारण कर लीजिए यज्ञोपवीति परमेश श्री लिंगों का देवता धारण योग यज्ञोपवीतम परम पवित्र प्रजापति सजन पुरस्ताद आयुषम प्रतिमंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम तेजक साम तेनोपधियामी हृदय में पहन लीजिए एतावद्यपरतं ब्रह्म तुम धार्थ मया जीर्ण त्याग प्रत्याग गच्छ सूत्र यथा सुखम तत्रादो यंत्रम धारियेत जो आपके सामने यंत्र गुटिका है वो दोनों हाथों में ले लीजिए प्लास्टिक को खोल करके यंत्र के ऊपर माला और गुटिका रख दीजिए और मेरे सामने आप देखिए माला भी यंत्र के ऊपर रहेगी गुटिका भी रहेगी आठ वक्षस्थल के सामने गले से नीचे और सीने से ऊपर यहां पर आप रहेंगे और कमर सीधी रहेगी ओम दीर्घायत्वाय बलाय वर्चसेष प्रजास्त्वाय सहसाम सौंदर्यताम पूर्वाय तोस्मानम सकृति कल्लाटम मम समस्त नेत्रौ सा ललाटे ग्रीवायाम भद्रकाली जपसंसेनुदा पूर्वाय तो संवक्षि स्थलौ सा स्तनौ एतोस्मानम सा पूर्ण यौवन प्राप्ता निमित्तम स दीर्घो तोस्मानम सकृति नाभौ सा कल्याणम एतोस्मानम हृदय सा उदरो एतो अतो कल्याणम दीर्घम अतोस्मानम सकृति कल्याणतम पूर्णा सा पूर्णमेव आवश्यकम पूर्वा सा चिंतिम कल्याणम दीर्घो अतोस्मानम निधि पूर्वा तात्र पूर्वा सा चिंतिम कृते पूर्वा सा देव अतो पूर्वा साचिर्घ पूर्वा आतोस्मी भूता लक्ष्मी शर्माण दुर्गाणे दीर्घ ओतोस्मान शिशुक्त सा पूर्ण योगम बल साहस तेजस्विता सौंदर्य अष्टाता अष्टांग योगम सा प्राप्त निमित्त स पूर्णोत्तम एतोस्मान माल्य एतोस्कृतम दीर्घ ओतोस्मान सचिंत्या कृदान वसंत ससमूर्ते सहस पादांगना पुरुषा शाश्वते सहस कोटिधान मनोवांचित कामना सिद्धाय सा पूर्णद पूर्णदम पूर्णा पूर्ण मुचिते पूर्णश्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते साम दीर्घो अतोस्मानम सकृते कल्याणताम मम ललाटे इंत्रो सा उद्रो अतोष्ठाम पूजा हेतुस्वानम चिबुके ग्रीवायाम सा हेतुस्वान समस्तात्मिकर्ण सा अस्तौ बाहुभ्याम दीर्घम अस्तौ विक्रम बीजम आत्मा क्षेत्रो मम पूर्व अतोस्वानम सम्माल्य मम गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोली अम शर्मा हम ताम मम समस्त मनोवांछित कामना सिद्धाय धन यश मान पद प्रतिष्ठान व्यापार ऐश्वर्य भोग विलास प्रेम सौंदर्य पूर्णत्म प्राप्त निमित्त समस्त मनोकामना हेतुस्वन कल्याण दीर्घ ओतुस्मन सातभ्यम इदमर्चितम भो ज्योति पूर्णा दरिपरा पूर्णाम तुभ्यम इदमर्चितम भो ज्योति पूर्ण सातभ्यम संपर्दे माला को लेकर के अपने गले में पहन लीजिए आप पहले फिर यंत्र
और गुटिका के ऊपर कुमकुम लेप कर दीजिए पूरा पूरे यंत्र पर। दीर्घो तो स्थूलम ताव तीवनोराव सा कक्षा वंदितान पूर्वा सा चिंता सुंदर तम है तो स्मान सकृति कल्याण तम दीर्घो सा पूर्व पूर्वा है तो स्मान वक्षस्थलम सा पूर्णत्व प्राप्त नहीं तुम शीघ्र से शीघ्र कार्य सिद्ध था यह ये तो स्मान पूर्ण नेत्र ज्वला उज्ज्वला प्रतिष्ठा पूर्वा सा चिंता प्रत्युश्राम दीर्घो है तो स्मान सत ब्रह्म विचरण बोल जाती पूर्णा देवरा प्रसुतम यदि विचरण बाज जाती कल्याण तम सक्रिवेही विवायाम इस कुमकुम को गले पे लगाइए। तत्रा दो पूर्ण आयतो समान शक्ति पूर्व आयतो समान हृदय और हृदय पर वक्ष स्थलों सा पूर्व आयतो समान शक्ति नाभो सा नाभो इधम देव समझे तथा दो ललाटे सा लाटे पूर्व आयतो समान सावधि अधरोष्ठाम पूर्व ललाटे साम शिखायाम सा कल्याण तम दीर्घो तो समान सम त्रिपुंड काराम हेतु समान सा कुंति कल्याण तम दीर्घो तो समान सा समस्त हृदय हेतु समान समस्त पूर्ण शरीर सा कुमकुम लपे इसके जो कुमकुम है पूरे शरीर पर आप लेप कर दीजिए पांवों से लगा करके और हाथों में और पीठ में भी। फिर यंत्र को गुटिका को ले लीजिए। अब मैं मंत्र बोलूंगा और आप मन में सोचते रहेंगे ये मेरे काम होने चाहिए फिजिकली स्वास्थ्य संबंधी भी पारिवारिक संबंधी भी और आर्थिक संबंधी भी और आध्यात्मिक संबंधी भी जो भी आप देखेंगे मेरी तरफ मन में चिंतन करेंगे मैं मंत्र बोलूंगा। ये मंत्र का प्रभाव और आपके मन में थिंकिंग का प्रभाव आपस में सामंजस्य होना चाहिए यह है मगर दृष्टि नहीं है ले दृष्टि में तरफ रहे। ओम पूर्णा बिर्भराम पूर्णा पुनराधिका मूर्ति गुण सतकृत हो सा चित्त मेदि मा कल्याण तम दीर्घ आत्मान सा पुति कल्याण तम दीर्घ श्याम सात अमु गोत्रेभ्यो शर्माभ्याम ताम पूर्वा समस्त शिष्येणाम उपस्थित शिष्येणाम ताम पूर्णताम तिरुत्मा अप्सरा दीक्षायाम एतुष्मान समस्त रोग शोक दुख दारिद्र कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुख सौभाग्य धन धान्य ऐसे प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धय ताम पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम मनोवांछित कामना सिद्धाय सात अभिवर्चन भौतिक आध्यात्मिक तापस तामसी एक तो स्वान शक्ति के नाम तम दीर्घो तो स्वान शक्ति के नाम दीर्घो सा चिंता पूर्ण तभी प्राप्त पूर्ण पुनः वस्त्र काम ऊर्ज गो सकृत हो चित्त जीव मनसा कृत देव अय्या गुण निधि उत्तरा वितावृद पति विशेष भुवन जीव विक्रमणी विश्वाहादा बेगु अभि सप्ताति अग्नि समुदा सतिवाह सुदाम प्रजान श्रोत्रा दोनों नेत्रों को गुटिका और यंत्र को लेकर के अपने सामने रख दीजिए। ये 21 दिनों तक गुटिका और यंत्र आपके घर में रहेंगे। मैं मंत्र उच्चारण करवा रहा हूं करें। बोले ओम रीम रीम सौंदर्योत्तमा अप्सरा पूर्ण शुद्धये रीम रीम फट ओम रीम रीम सौंदर्योत्तमा अप्सरा पूर्ण शुद्धये रीम रीम फट ओम रीम रीम सौंदर्योत्तमा अप्सरा पूर्ण शुद्धये रीम रीम फट ताम पूर्णताम हेतु स्वानम पूर्ण गुरुमुखेण मंत्र प्राप्त सा तुभ्यम संपर्त देहे। ये इस यंत्र के सामने केवल 7 दिन मंत्र जाप करना है। जो आपको माला मैंने दी इस माला से इसी माला से मंत्र जाप करना है। एक माला मंत्र जाप करना है सुबह रात्रि को माला मंत्र जाप नहीं हो पाएगा सुबह उन्हें आवश्यक है। और 7 दिन अलग अलग इच्छाओं का संकल्प लेकर के करोगे। आज जो चिंतन किया है वो कल नहीं करोगे कल दूसरा। जैसे आज मैंने कहा मेरा पूर्ण पूर्ण आयु हो दूसरे दिन कहेंगे पूर्ण पारिवारिक सुख हो तीसरे बार कहेंगे मुझे पूर्ण सौंदर्य प्राप्ति हो चौथे दिन और कोई इच्छा 5 दिन और इच्छा 6 दिन और इच्छा 7 दिन और इच्छा। तो 8वें दिन इस यंत्र को और माला को नदी में या तालाब में विसर्जित कर देंगे। उसमें शाम में अगर घी का दीपक हो और शास्त्रों में ये लिखा है कि अपने कान में इत्र गुलाब या हीना या और कोई इत्र लगा करके और शरीर पर इत्र थोड़ा सा लगा करके फिर मंत्र जाप करें तो पूर्ण और जल्दी सफलता सिद्ध प्राप्त होती है। थोड़ा सा इत्र दिया और लगाया तो शरीर में लगा दे। जैसे अभी आपने कुमकुम लगाया है ऐसा लगा दे। दीपक लगे या नहीं लगे इतना अनिवार्य नहीं है। इत्र बाजार में मिल जाता है छोटी सी चाहे वो होना चाहिए हीना का इत्र या गुलाब का इत्र
तीसरे कोई किसी प्रकार का इत्र काम में नहीं आएगा। गुरु प्रार्थना तत्रादौ मम ग्रहे मम शान्ते पूर्णं गुरुम् आवाहयामीं समर्पयामि नमः। आवो देवास इमहे वामं प्रतिदरे आवो देवास आशिवो जगन्यासो हवामि गुरुम् आवाहनं समर्पयामि नमः। तत्रादौ पय दधि दुग्ध गत मधु शर्करां स्वां मञ्चावस्थानं समर्पयामि नमः। शुद्ध शरीरम ओम शुद्धवाल शुद्धवालो मणिवालस्त आश्न श्वेता श्वेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपते कृणाम जावाम अवलिप्ता शोधुम शुद्ध स्थानम समर्पयाम तत्रादु गुरुमुखेण कुंकुम विलिप्य कुंकुमांते चिन्नम समर्पयामि नमः। चिन्नान्ते वस्त्रम वस्त्रान्ते वस्त्रम समर्पयामि नमः। ग्रीवायाम तत्रादु पुष्पमाल्यम समर्पयामि नमः। इत्रम सुगंधम अबीरम गुलालम सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि नमः। नैवेद्यम समर्पयामि नमः। नैवेद्यान्ते जलम प्रक्षेप इलांते दक्षिणाम समर्पयामि नमः। दक्षिणान्ते प्रार्थना यायाम प्रतिपेद तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु अनियाम पूजियाम संगाय सविवाय सायुधाय सरक्तिकाय महाकृतुभ्यं समर्पयेत। इस साधना की विशेषता यह है कि प्रत्येक प्रातः काल विधि आप करें या रात्रि को 10 बजे के बाद करें दोनों समय या फिर 10 बजे के बाद करें 10 और 11 के बीच में या प्रातः काल सूर्योदय से पहले करें। अगर सूर्योदय से पहले आप नहीं उठ पाए नहीं कर पाए उसमें आपको प्रत्येक दिन कुछ न कुछ दृष्टिगोचर होगा ही। पहले दिन भी गोचर होगा, लगेगा कुछ दिखाई दिया, लगेगा कुछ पास में बैठा, लगेगा कुछ बातचीत कानून सुनाई दी, लगेगा कुछ हाँ भरी गई, लगेगा कुछ वार्तालाप हुआ और आप चुपचाप बोल रहे हैं सुन रहे हैं। यानी ऐसा एक दिन भी नहीं जाएगा जिसमें आपके कुछ घटना नहीं घटित हो उस साधना काल में। उस साधना काल में जो कुछ घटित हो वो केवल अपने कागज या कॉपी में अंकित कर दें, केवल आप किसी को बताए नहीं। और आठवें नवें दिन जब आप मुझे मिले तब आपको जो अनुभव हुए हों वे केवल आप मुझे बता दें, मैं आपको बता दूंगा कि आप सफलता में क्या करना है, आगे किस प्रकार से इसको हमेशा के लिए अपने पास सिद्ध रखना है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल तजुर्बे के आधार पर ही मैं आपको गाइड कर सकूंगा। इसलिए जिस दिन मेन प्रोवाइड कर दें तब फिर आप मुझे कॉपी लेकर के मिलें, मगर अनुभव जरूर होंगे डेली, चाहे किसी प्रकार के अनुभव हो, सबको एक अलग अलग प्रकार का, मुझे अलग प्रकार का अनुभव होगा, आपको अलग प्रकार का होगा, आपको अलग प्रकार का अनुभव होगा। किसी को सुगंध सी प्रभावित होगी जैसे पूरे कमरे में गुलाब 10 मन गुलाब बिखेर दिए गए हों, किसी को ऐसा लगेगा जैसे घुंघरू की आवाज आ रही है, कोई नृत्य कर रहा हो, किसी को कुछ ऑर्डन से दृष्टिगोचर होगा, किसी को दृष्टिगोचर हो सकता है अलग अलग, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि मंत्र जाप करें या माला मंत्र जाप करें अनुभव हो ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ तो फिर आप किसी को बताएं नहीं, एक डायरी में आप नोट कर दें और फिर आठवें नवें दसवें दिन जब भी मुझे मिले मुझे वो बता जरूर दें, जिससे कि मैं बता दूं कि यहाँ अब थोड़ा सा पेज आपको इतना सा और रह गया है। आप दोनों हाथ खोल दें, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतमोर्था शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम यस्त्व ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद वेधृणाम ब्रह्म वाक्स्थान त्यमनंतीं तशत्रुवान् अक्षतां प्रस्तुन्त्यं घ्नन्ति येनरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् शीर्वचश्माशुम् आरोग्यम् आदत्मानम् महिते धान्यं धनं पुष्पतलाभम् सत्संगसं दीर्घमायुः। अब चावल आप ले लें जो आप सामने पड़े हैं और गुरु की तरफ आप फेंक दें। ओम अक्षम नमी मंद्र प्रिया मधुखता स्तोखता सुभान वो प्राण श्रीयामती पूर्वाय तो सुभानम पूर्ण सफलता प्राप्त निमित्तम सचैतन्यम परिपूर्णत्व प्राप्त तुभ्यम समर्पयेत। हा जोड़ दी आधार्थिक समर्पयामि नमः। आपकी खड़े हो जाए।